राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके जीवन और विचारों पर कई सालों से रिसर्च होती रही है, कई किताबें लिखी गईं तो कई फिल्में भी बनी उनके जीवन पर, ताकि उन्हें कम जानने वाले बापू के जीवन से प्रेरणा ले सकें। गांधी जी की जिंदगी के कई पहलुओं को फिल्मों के जरिए कई बार सामने लाने की कोशिश की जा चुकी है, तो आइए ऐसे में जानते हैं बॉलीवुड और गांधी के बीच इस खास रिश्ते को, जिसे सिनेमा जगत अक्सर बड़े पर्दे पर उतार चुका है। फिल्म गांधी। ये फिल्म सन 1982 में रिचर्ड एटनबरो ने महात्मा गांधी की जिंदगी पर बनाई थी। इस फिल्म को साल 1983 में दो श्रेणियों में ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, जिसके लिए एटनबरो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला, जबकि फिल्म गांधी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। फिल्म हे राम। सुपरस्टार कमल हसन ने बंटवारे और महात्मा गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि पर हे राम फिल्म बनाई थी। ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म भारत के विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें हसन के साथ रानी मुखर्जी भी थी और इस फिल्म में गांधी के किरदार को नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने महात्मा गांधी के विचारों और उनके सिद्धांतों को बेहद ही सरल तरीके से लगे रहो मुन्ना भाई के जरिए सबके सामने रखा। फिल्म में संजय दत्त मुख्य किरदार में थे। संजय दत्त को जगह जगह बापू नजर आते हैं और वो उनकी शिक्षा पर चलते चलते समाज की भलाई का काम करने लगता है। फिल्म गांधी माय फादर। फिरोज अब्बास खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म गांधी माय फादर महात्मा गांधी और उनके बेटे हरी लाल के रिश्तों पर आधारित फिल्म थी, जो साल 2007 में बड़े पर्दे पर आई थी। इस फिल्म में गांधी जी का किरदार दर्शन जरीवाला ने निभाया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म रोड टू संगम। अमित राय के डायरेक्शन में रोड टू संगम फिल्म 2010 में रिलीज हुई। ये फिल्म एक मुस्लिम मैकेनिक की जिंदगी पर बनी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि मैकेनिक को एक पुरानी फोर्ड V8 इंजन कार को रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसी गाड़ी में महात्मा गांधी की अस्थियों को त्रिवेणी संगम ले जाकर प्रवाह किया गया था। तो देखा आपने, महात्मा गांधी की जिंदगी पर कई फिल्में बनाई, भले ही फिल्मों के विषय अलग अलग रहे हों, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, वो है महात्मा गांधी के जीवन को लोगों के बीच पहुंचाना।